नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से हलवा सेरेमनी का आयोजन आज किया जाएगा। शनिवार से ही बजट संबंधित जरूरी कागजातों को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। बजट पेश करने से पहले सरकार हलवा सेरेमनी का आयोजन करती है। बंगाल के उत्तर परगना के भाटापारा शहर में स्थित अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार भाटापारा हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में जुटी है। भाटापारा हिंसा के विरोध में कोलकाता में 3 सांसदों का दल शनिवार को पहुंचेगा और हिंसा के खिलाफ विरोध जताएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक मस्जिद में शनिवार सुबह आग लग गई। यह मस्जिद उत्तर कश्मीर के नोवोरा बाजार के पास स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक नाज कॉलोनी स्थित मस्जिद के तीसरे तल मस्जिद ए नूर में आग लगी और आग लगने की वजह से काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। टीडीपी के 5 सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से बीजेपी में शामिल होने वाले उनके पार्टी के 4 सांसदों को उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते जापान जाएंगे। वित्तीय स्थिरता, WTO सुधार, कालाधन और आतंकवाद का मुद्दा बैठक में भारत के एजेंडे में शीर्ष पर होगा। देश की अदालतों पर मुकदमों के लगातार बढ़ते बोझ से निपटने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में CJI गोगोई ने बढ़ते लंबित मुकदमों का जिक्र किया है। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मॉनसून अगले 3 दिनों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा पहुंच जाएगा। इसके बाद वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही RJD के नेता तेजस्वी यादव के बयानों से खुश न रहते हों, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को बड़ी राहत दी है। बिहार सरकार ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके बंगले में खर्च नियमानुसार ही किया गया है। सरकार की ओर से जारी इस बयान को एक तरह से क्लीन चिट के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री पर अड़ंगा बरकरार रखा है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में प्रवेश को लेकर जब तक चर्चा नहीं हो सकती, जब तक समूह में परमाणु अप्रसार संधि के गैर सदस्य देशों की भागीदारी को लेकर स्पष्ट योजना तैयार नहीं की जाती। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आसिया बीबी की रिहाई के बाद शुक्रवार को पाकिस्तान से कहा कि ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार।